इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश के बाद सीबीआई ने मथुरा के जवाहर बाग पार्क हिंसा मामले में केस दर्ज कर लिया है। पिछले साल इस बाग में एक हिंसक झड़प हुई थी जिसमें दो पुलिस कर्मियों सहित 29 लोगों की मौत हो गई थी। दरअसल 2014 में यूपी सरकार ने आजाद भारत विधिक वैचारिक क्रांति सत्याग्रह आंदोलन चलाने वाले रामवृक्ष यादव को जवाहर बाग में दो दिनों के लिए प्रदर्शन की अनुमति दी थी, लेकिन रामवृक्ष यादव और संगठन के सदस्यों ने पार्क पर कब्जा जमा लिया। बाद में हाईकोर्ट के आदेश पर पुलिस जब इस जगह को खाली कराने पहुंची, तो रामवृक्ष के लोगों की पुलिस से हिंसक झड़प हो गई। ये झड़प इतनी हिंसक थी कि इसमें दो पुलिस ऑफिसरों की मौत हो गई। झड़प में रामवृक्ष यादव सहित उसके 27 लोग भी मारे गए थे। NMF न्यूज़ की रिपोर्ट।